स्ट्रीट आर्ट मतलब कि ग्रफिटी, सड़कों पे जो पेंटिंग की होती है, बनाया होता है। स्ट्रीट आर्ट अक्सर एक रेवोल्यूशन होता है, एक रेबल किस्म की मेंटालिटी होती है, जहाँ पे आर्टिस्ट वो चीजें बोलता है जो नॉर्मल आर्ट के थ्रू या नॉर्मल कहानियों के थ्रू या नॉर्मल तरीके से नहीं कही जा सकती। इसलिए वो स्ट्रीट पे, रस्ते पे बिना अपना नाम लिखे वो छोड़ के बना के अपनी पेंटिंग भाग जाते हैं। स्ट्रीट आर्ट को बहुत लोग आर्ट नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं कि ये गलत है, वैंडलिज्म है, दीवारों को गंदा कर रहे हैं, बुरा चीज़ है, ऐसे ही हर जगह पे नहीं करना चाहिए। मगर धीरे धीरे स्ट्रीट आर्ट भी अब लेजिटिमेसी पाने लगा है काफ़ी जगह पे। और अगर आप स्ट्रीट आर्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो एक नाम से आप ज़रूर परिचित होंगे, जिसे कहते हैं बैंक्सी। बैंक्सी इज अ स्ट्रीट आर्टिस्ट, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन कोई नहीं जानता वो एग्जैक्टली कौन है। खास अंदाज है उनका, एक शैली है, एक तरीका है, जिसकी वजह से यू नो दैट इट इज अ बैंक्सी और इट इज नॉट। आपको दिखाई देगा इन्होंने लिखा है मई 1968। तो मई 1968 के अंदर पेरिस में, फ्रांस में, एक तरह का सिविल अनरेस्ट हुआ था, जहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए थे, लोगों ने पत्थर हाथ में उठा लिए थे और मारना शुरू कर दिया था। आज हम अगर बात करें जिन्होंने उस वक्त हाथ में पत्थर उठाए थे, जिन्होंने रेवोल्यूशन किया, सरकार पे सवाल उठाए थे या सिस्टम पे सवाल उठाए थे, आज वो लोग समृद्ध बन चुके हैं, वो लोग भी कैपिटलिज्म में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो बैंक्सी ने लिखा है मई 1968, लेकिन उसका जो 8 है वो 8 गिर गया है, और 8 गिर के मिनी माउस के सर का वो बन गया है। He is raising a question. वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग जिन्होंने मई 1968 में रेवोल्यूशन किया था, रेबल थे आप लोग, आपने हाथों में पत्थर उठा लिए थे उस वक्त, क्या आप में आज भी पत्थर उठाने की कुव्वत है, या आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथों बिक चुके, या आपके मॉरल से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्या आप में अब भी पत्थर उठाने की ताकत है या नहीं है? ऐसा सवाल शायद बैंक्सी ने किया। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पेरिस में हो सकता है। इतनी कमाल की घटना है। अगर आप इस जगह पे जाएं और इस वाले ग्रफिटी को देखें, ये जो बैंक्सी ने बनाया उसको देखें, इसके ठीक सामने की दीवार के ऊपर एक खांचा है, ऐसा एक एल है, और उस एल के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर उनमें से, उस जनरेशन के लोगों ने रखा है जिनके ऊपर बैंक्सी इस स्ट्रीट आर्ट के थ्रू सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कमाल कहानी है। उनका ये पत्थर सामने रखने का मकसद या पर्पज़, या वो बैंक्सी से ये कहना चाहते हैं कि हम में आज भी पत्थर उठाने की ताकत है, हम आज भी रेबल कर सकते हैं, और हम आज भी बिकाऊ नहीं है, और ना हम बिके थे ना हम कभी बिकेंगे। तो ये इस तरह की दो कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफी, इस तरीके के दो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़, ये आपको सिर्फ पेरिस में मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते। मैं बता रहा हूँ स्ट्रीट आर्ट के लिए ये कमाल का शहर है, और मैंने बहुत बहुत स्ट्रीट आर्ट देखा, और जितना मैं शूट कर सका मैंने किया। आप उसका मज़ा ले सकते हैं आगे के वीडियो में।